अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वेब डेवलपमेंट का टीचर अरसलान फ्रॉम ब्रेंस कॉलेज बागवानपुरा कैंपस। काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे कह रहे थे कि सर सीएसएस में स्लाइडर बनाने में बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, तो काइंडली आप इसके बारे में गाइड कर दें। तो बेटा आज मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग HTML और CSS का यूज़ करते हुए एक स्लाइडर किस तरह से, एक इमेज स्लाइडर किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने एक HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, तो मैं नोटपैड पर काम कर रहा हूँ। स्टूडेंट में स्टार्ट करते हैं। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल तो HTML का टैग और इसका प्रॉपर एक स्ट्रक्चर जो था वो डिज़ाइन किया। और क्योंकि हमने इसमें CSS का भी यूज़ करना है, तो इसके लिए मैंने स्टाइल का टैग भी यूज़ किया ताकि हम इसमें स्टाइलिंग कर सकें। अब इसके बाद मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक हेडिंग क्रिएट की H1, जिसमें मैंने इसे बताया कि हम लोग बनाने जा रहे हैं CSS इमेज स्लाइडर, और इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव किया मैंने स्लाइडर .html के नाम से। एंड देन मैं इसे ओपन कर रहा हूँ, राइट क्लिक ओपन विद गूगल क्रोम। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास मेरी हेडिंग आ चुकी है। अब ऐसे ही मैं दोबारा से जाता हूँ अपने नोटपैड फाइल पे और मैंने एक div क्रिएट किया, और अब मेरे पास हेडिंग भी आ चुकी है, मेरे पास एक डिव भी आ चुका है। तो अब हम चलते हैं स्टाइल की तरफ और इस पर स्टाइलिंग करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कहा मेरे पास जो एक बॉडी है, इस बॉडी में आप ऐसा करें कि एक बैकग्राउंड कलर दे दें। बैकग्राउंड माइनस कलर, मैंने इसे कहा कि आप इसको कर दें ब्लैक। और इसके बाद मैंने इसे कहा मेरे पास जो हेडिंग है, हेडिंग में आप ऐसा करें कि इसका जो कलर है इसको आप कर दें वाइट, और इसकी जो अलाइंग है, टेक्स्ट अलाइंग, आप इसको कर दें सेंटर। इसे मैंने सेव किया। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं कि मेरे बैकग्राउंड में ब्लैक कलर भी हो चुका है और मेरी जो हेडिंग है वो भी सेंटर में आ चुकी है। अब इसके बाद बारी आती है हमारे डिवीजन की, जो कि हमने नीचे बनाया है। तो मैंने इसे कहा मेरे पास जो डिव है इसमें आप ऐसा करें, इसकी जो विड्थ है ये आप कर दें 80% और हाइट HEIGHT आप इसको दे दें 50%, और आप ऐसा करें कि इसके बैकग्राउंड में एक इमेज लगा दें। अब इमेज कौन सी वाली? फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर कुछ इमेजेस जो हैं वो डाउनलोड करके अपने पास रखी हुई हैं। ये मेरे पास 3 इमेजेस हैं ABC के नाम से यहाँ पर शो हो रही हैं। तो मैंने इसे कहा कि आप ऐसा करें इसमें जो मेरी पहले वाली इमेज है वो लगा दें। मैंने इसे बताया URL राउंड ब्रैकेट्स इन्वर्टेड कोट्स के अंदर a.jpg JPEG, और इसको मैंने किया क्लोज, एंड क्लोज करने के बाद मैंने इसे कर दिया सेव। तो स्टूडेंट्स ये मेरी इमेज जो है वो मेरे सामने शो हो चुकी है। अब क्योंकि ये इमेज का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर इसको बता देता हूँ बैकग्राउंड साइज आप इसको कर दें 100% by 100%, और इसे मैंने कर दिया सेव। और सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश किया। तो स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हैं कि हमारे सामने हमारी जो इमेज है वो शो हो चुकी है। मैं इसको सेंटर में लाने के लिए इसका मार्जिन लेफ्ट इंक्रीज कर देता हूँ, मार्जिन लेफ्ट 150 पिक्सल्स तक। तो ये हमारा जो इमेज है वो ऑलमोस्ट सेंटर में आ चुका है। अब हमने क्या करना है, हमने इसमें कुछ मजीद इमेजेस लगानी हैं जिसको हमने एनिमेट करवाना है। तो इसके लिए मैंने इसे बताया एनिमेशन,
अब एनिमेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग इसका नेम बताते हैं कि हमारी एनिमेशन का नेम क्या होना चाहिए, तो मैंने लिखा स्लाइडर। देन हम उसको बताते हैं अपने एनिमेशन का टाइम कि हमारी एनिमेशन कितने टाइम तक, कितने टाइम में चलेगी, तो मैंने इसे कहा ये 9 सेकंड्स तक चलनी चाहिए। देन इसमें आता है एनिमेशन काउंटर टाइम कि ये कितनी बार चलनी चाहिए, तो मैंने इसे कहा इनफाइनाइट टाइम आप इसको चला दें। इसके बाद आपसे पूछता है एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, मीन ये कितनी, कितने टाइम तक चलनी चाहिए, इसका जो चलने का स्टाइल है वो क्या होना चाहिए, इसकी चलने की स्पीड क्या होनी चाहिए, तो मैंने इसे कहा होनी चाहिए लीनियर कि ये एक ही स्पीड के साथ चलती रहे। देन मैंने इसे सेव किया और इसको रिफ्रेश किया, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि एनिमेशन में हमें एक की फ्रेम बताना पड़ता है, की फ्रेम बताना पड़ता है जिसकी एक अलग से प्रॉपर्टी बनाई जाती है, तो मैंने इसे बताया एट की फ्रेम, की फ्रेम्स। और इसके बाद हम बताते हैं एनिमेशन का नाम, तो एनिमेशन का नाम मैंने रखा है स्लाइडर, तो मैंने यहाँ पर इसे बता दिया स्लाइडर। अब फ्रेंड्स एनिमेशन स्लाइडर में हम बेसिकली जो हम फ्रेम्स बना रहे हैं इसमें हम उसको बताते हैं कि 0% से 100% तक जाने के लिए हमारा ऑब्जेक्ट किस तरह से एनिमेट होगा। तो हम अपने ऑब्जेक्ट को एनिमेट तो नहीं करवा रहे हैं, बट हम लोग अपनी इमेजेस को स्लाइड करवा रहे हैं। तो मेरे पास 3 इमेजेस हैं, तो मैंने 100 को 3 पर डिवाइड कर दिया, जिसमें मेरे पास जो परसेंटेजेस आ रही हैं मैं उन पर अपनी इमेजेस को अप्लाई कर दूंगा। तो मैंने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास है 0%, देन करली ब्रैकेट्स, फिर मैंने इसे कहा 0 से 35% तक सेकेंड इमेज, एंड देन 35 to 75 मैं थर्ड इमेज। अब इसमें मैं अपनी इमेजेस को बता दूंगा कि हमने किस पॉइंट पर कौन सी इमेज लगानी है। तो 0 से 35 तक फर्स्ट इमेज चलेगी, 35 से 75 तक सेकेंड इमेज चलेगी, एंड देन 75 से 100% तक मेरी थर्ड इमेज चलेगी। और जैसे ही 100% कंप्लीट होगा तो फिर वो देखेगा हमारे काउंटर टाइम को, तो वो हमने क्या लगाया हुआ है इनफाइनाइट टाइम, तो वो आपके स्लाइडर को एनिमेट करवाता जाएगा। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि इसमें बता देते हैं बैकग्राउंड इमेज, हमने बैकग्राउंड इमेज जो है इसको एनिमेट करवाना है, तो मैंने इसे बताया यू आर एल राउंड ब्रैकेट्स इन्वर्टेड कोट्स में हमने इसे बताया कि मेरी पहली इमेज है air.jpg और इसको मैं क्लोज किया। अब इसी को मैं कर लेता हूँ कॉपी, और कॉपी करके मैं बाकी में भी बता देता हूँ कि 35 वाली जो फ्रेम है इसमें हमारी सेकेंड इमेज शो स्टार्ट होगी, इसका नाम है बी, एंड देन 75 से थर्ड इमेज स्टार्ट होगी जिसका नाम है सी। और ये हमारे जो एनिमेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको सेव करेंगे, और सेव करने के बाद अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश करेंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो स्लाइडर है वो रेडी हो चुका है और हमारी इमेजेस स्लाइड कर रही हैं। इस तरह से आप बहुत ही इजी वे और बहुत ही शॉर्ट टाइम में HTML और CSS के साथ एक इमेज स्लाइडर बना सकते हैं।